या पोर्ट्रेट, ये आपने डिफाइन कर लेना है। देन आपने कहा जी पेज का साइज हो गया, वर्किंग हो गई, उसके बाद कहता है ऑटो फिट पेज, ये व्यू के लिए है कि आपने कहा ऑटो फिट पेज। अब ये मेरे पास तो पेज के ऊपर ऑटो फिट जो है मुझे नजर आना शुरू हो गया है, मैं यहाँ पर इसको देख सकता हूँ। आपके मार्जिन के मुताबिक ये आपको यहाँ पे ऑटो फिट करके दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कहा ये मैंने इस पेज को बड़ा करके देखा है, अगर आप कहते हैं कि आपने इस पेज को छोटा करके देख लिया, उसी तरह जूम पे क्लिक करें और अपने इस पेज की सेटिंग पे क्लिक कर दें, तो ये आपको आपके पेज के मुताबिक जो है वो दिखाना, वर्किंग को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। मैंने कहा मैं पेज की प्रॉपर्टी में गया और पेज की प्रॉपर्टी में जाके मैंने इसको क्या कर दिया, पोर्ट्रेट कर दिया। ऑटो फिट पेज से ये हुआ था कि वो डब्बा बड़ा होकर पेज के जितना हो गया था। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैंने कहा ऑटो फिट नहीं करना, छोड़ दिया, आगे चले। हमने कहा इस बॉक्स को भी रिमूव करते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। मैं ये कहता हूँ ये पहला पेज है, इस वक्त क्या साइज है इसका, अब इसका कस्टम साइज हो गया, हम इसको लेटर साइज पे ले जाते हैं, ये लेटर साइज है। अगले वाले को देखें, ये भी वही है, अगला वाला ये भी वही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो तीसरा वाला ना, इसको मैं लैंडस्केप कर दूं, यानी पहले दो पोर्ट्रेट ही हो, अगला लैंडस्केप हो। अब अगर मैं अभी चेंज करूंगा ना, तो यहां ऑल पेजेस की बजाय मैंने ऑप्शन ऑन की हुई है कौन से वाली, करंट पेज की। अब आप तीसरे पेज पे जाकर इसे लैंडस्केप कर ले, ठीक है। तीसरे पेज पे मैंने क्या किया, इसको लैंडस्केप कर लिया। अब आप पहले पेज पे जाएंगे तो वो पोर्ट्रेट है, दूसरा पेज बी पोर्ट्रेट है, तीसरा पेज आपका लैंडस्केप है, गुड हो गया। चौथा पेज कौन सा होगा, फिर पोर्ट्रेट। अगर आप कहते हैं सब पे चेंज हो जाए, ऑल पेजेस की कमांड ऑन कर देनी है, सही है जी, यहां तक क्लियर हो गया, ओके। मैंने कहा ये भी मुझे आ गया है। स्केल कौन सा है, बाद में चेंज कर सकते हैं, मैंने यहां तक इसको छोड़ दिया। अगली ऑप्शन आती है नज डिस्टेंस की, ये क्या होता है, अभी इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, और डुप्लीकेट डिस्टेंस क्या है, ये क्या है, ये बाद में देखते हैं। पेज की प्रॉपर्टीज ये तो वही वाली है जो मैंने अभी आपको बताई, यहां तक हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं और उसको ड्रॉ करता हूं। पुराने वर्जन में आप रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे वो पेज के मुताबिक आ जाएगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको क्लिक करें और यहां से जाके आप फिट कर दें, ऑटो फिट करेंगे तो ये पेज के मुताबिक हो जाएगा। मैंने अभी ऑटो फिट नहीं करना, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने पेज के ऊपर जो मेरा साइज है कस्टम साइज, उसके साइज का हो गया था, मैं इसको लेटर साइज कर देता हूं और वापस आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें दो साइडें आमने सामने की बराबर हो, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। और अगर कभी आपकी चारों साइडें बराबर हो जाती है, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया है ताकि एग्जैक्ट शेप हो जाए, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, देखिये ये स्क्वायर है। अगर आप चाहते हैं जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, यानी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को आप सेंटर पॉइंट लेना चाहते हैं, तो आपने शिफ्ट दबाना है। यानी अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, अगर आप शिफ्ट दबाते हैं एक सेंटर पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, अगर आप कंट्रोल दबाते हैं तो एग्जैक्ट इक्वल लेंथ और विड्थ दोनों बराबर। मैंने कहा मैंने ये साइज जो है वो यहां से ले लिया। अब मुझे ख्याल आया कि जब मैंने इसको छोड़ दिया, ये मैंने साइज लेके इसको छोड़ दिया, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज होता है, इस साइज को हम 100% कहते हैं, यानी ये इसका स्टैंडर्ड साइज है, इस साइज को हम 100% कहते हैं। हम यहां गए और जाकर मैंने इसको कम करना है, मैंने यहां से इसको कर दिया 2 पॉइंट। अगर आगे आपके पास लॉक एस्पेक्ट रेशियो ऑन है तो एंटर दबाने पर आपकी विड्थ चेंज करने से हाइट खुद ही चेंज हो गई है, आपका साइज 2x2 ही रहा। अगर आप और ओरिजिनल साइज देखें 100% से कम हो गया है, 100 से ज्यादा होता तो हम कहते हैं साइज ओरिजिनल साइज से बड़ा हो गया है, पर वेक्टर ग्राफिक्स में बड़ा छोटा करने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जी यहां तक तो मेरी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसका साइज 2x2 की बजाय 1x1 करता हूं, ताकि आपको अंदाजा रहे। तैयार रहिएगा, बारी आपकी आने लगी है, पूछने लगा हूं मैं आपसे, ध्यान से देखना है मैं क्या करने लगा हूं। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं जो कि आपके पास इस वक्त आ रहा है या आपको यहां पर इस वक्त नजर आ रहा है, तो मैं इसको यहां ले जाता हूं ताकि मैं आपको थोड़ा ना बड़ा करके दिखा सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इसको यहां रखा और मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा सकूं। इस बॉक्स के अंदर बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर है,
बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर टॉप, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर एंड एग्जैक्ट सेंटर। यानी अगर मैं इस सेंटर पॉइंट की बात करूंगा ना, तो ये इस नुक्ते की बात हो रही है जो दरमियान में है। अगर मैं इस कोने की बात करता हूं तो ये इस कोने की बात हो रही है जो नीचे है। अगर मैं इस कोने की बात करता हूं तो ये मेरे कोने की बात हो रही है। यानी अब पहले मैंने पेज का ओरिजिन सेट किया था, अब मैंने ऑब्जेक्ट का ओरिजिन सेट किया है, तो मैंने इसको यहां पर सेट कर दिया। यानी आप देखें यहां सेट किया ना, तो ये जो एक्स है ना ये 3.068 पे है और यही जो वाई है ये 5.597 पर है। देखें 4, 5, 5 पॉइंट, ठीक है 9, तकरीबन 6 से थोड़ा सा कम है। और इधर अगर आ जाए तो 3, देखें ये 4 है, ये इससे कम 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, मैं ये करता हूं कि इसको मैं चेंज करके 0 कर देता हूं और इसको भी मैं चेंज करके 0 कर देता हूं। मैं एंटर दबाता हूं और आपका जूमर जो है वो ऑन कर लेता हूं, जहां से मैंने इसको भी जूम किया था ताकि मैं आपको छोटा करके दिखा सकूं। शिफ्ट F4 दबा के पेज के टॉप पे आ गया, मिनिमाइज करता हूं। देखिए ये बिल्कुल 0.0 पे आ गया। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये बिल्कुल 0.0 पे आ गया। आई लव दैट थिंग, मैं यही चाहता था। सही हो गया जी, यहां तक क्लियर। अब देखिए आगे मैंने कहा इसकी विड्थ कितनी है 1, हाइट कितनी है 1। अब मैं चाहता हूं कि मैं कीबोर्ड से एरो की दबाऊं। कीबोर्ड आप सबने देखा हुआ है, ये आपका कीबोर्ड है और ये आपकी एरो कीज हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। अब मैं चाहता हूं कि मैं राइट एरो को एक दफा दबाऊं तो ये मेरा कितना मूव करे, ये मैं डिफाइन करना चाहता हूं। तो याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप एरो की दबाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो पोजिशन चेंज करता है इसे नज डिस्टेंस कहते हैं। ठीक हो गया, कहते हैं नज डिस्टेंस। तो हमारे पास नज डिस्टेंस कहां था, ये कितना है, मैं कहता हूं नज डिस्टेंस मैंने 1 कर दिया। अब देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, एरो की दबाई, अब ये एक के जंप से आगे गया है। देखें एक एक जंप आगे कर रहा है। आप कहते हैं नहीं सर डबल जंप करे, तो फिर आपने करना ये है कि शिफ्ट पे होल्ड रखकर आपने एरो की दबाना है। जैसे ही आप शिफ्ट पे होल्ड रख के एरो की दबाएंगे तो ये डबल जंप करेगा, और अगर आप कहते हैं नहीं सर हाफ नज डिस्टेंस करे, तो कंट्रोल पर होल्ड रखकर आपने एरो की दबानी है तो ये हाफ जंप करेगा। क्लियर है जी यहां तक। नज डिस्टेंस क्या होता है, आप एरो की पर जब मूव करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करे, इस नज डिस्टेंस कहते हैं। मैंने इसको बहुत कम रखना है ताकि वो काम जो मैं माउस से नहीं कर सकता वो मैं इस नज डिस्टेंस से कीबोर्ड से करूंगा। मैंने इसे 0.01 कर दिया। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर। अब अगर आप देखें तो बिल्कुल मामूली सा चेंज आएगा। देखें यहां देखें ऊपर, ठीक हो गया जी।